क्या क्या है? ये होली का पर्व वैसे भी अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। साथ ही साथ जनपद हरदोई के लिए इसका विशेष स्थान है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं नरसिंह अवतार और होलिका दहन की परंपरा यहीं से ही शुरू होने की किंवदंती रही है। इसके दृष्टिगत इसका महत्व देखते हुए हमने इसमें पूरी तैयारी की है। जनपद में लगभग 3700 होलिका दहन होती हैं और साथ ही साथ 5 जुलूस निकलते हैं। इन सब पे हमने फोर्स लगाया हुआ है। अभी तक कोई ऐसा विवाद नहीं सामने आया है जिसका निराकरण न हुआ हो, फिर भी सतर्क दृष्टि रखी जा रही है और साथ ही साथ कोई नई परंपरा नहीं होने दी जाएगी। जनपद को हमने सेक्टर और जोन विभाजित कर दिया है, साथ ही साथ पर्याप्त संख्या में QRT रखी गई है, फायर टेंडर्स को सावधान किया गया है, एम्बुलेंसेज की तैयारी कर ली गई, क्रेन की तैयारी की गई है। साथ ही साथ हमने विगत 5 वर्षों में जो भी घटनाएं हुई हैं होली पर्व के आसपास, ऐसे 262 गांव चिन्हित किए हैं और उनमें जहां भी ऐसा प्रतीत हुआ है कि कहीं कुछ संभावना हो सकती है वहां पुलिस बल नियुक्त किया जाएगा, वह सभी प्रकरणों में 107-16 की कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ आप लोग के माध्यम से मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि होली पर्व को शुचिता से और हर्षोल्लास के साथ मनाएं, इसमें कोई गंदगी की चढ़ादी का प्रयोग न किया जाए, यथासंभव सूखे रंगों का प्रयोग किया जाए, कोई हुड़दंग न किया जाए, वह सामाजिक समरसता को देखते हुए सभी के साथ मिलजुल करके हम ये पर्व मनाएं। अराजक तत्वों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या उचित कार्रवाई नियम मिलाएगी? जो भी इस पर्व को, इस हर्षोल्लास के पर्व में अगर चाहेगा बाधा डालना या कोई उत्पात मचाएगा, कोई शरारत करेगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसा मैंने बताया कि बहुत लोगों को चिन्हित करके ऑलरेडी 107-16 की कार्रवाई की गई है, उनसे अधिक से अधिक धनराशि की वसूली की जाएगी। वह जो भी कानून के तहत प्रक्रिया में जो हमारा कड़ा से कड़ा कदम होगा वो हमारे द्वारा उठाया जाएगा।